कल्याण कोर्ट वापस ले। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। वंदे साहब, ये जो 2% राजस्थान सरकार ने कृषि कल्याण फीस लगाई है, उसके विरोध में हमारा संघ है जयपुर में, राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ। उन्होंने अपने राजस्थान की 247 मंडियों में ही बंद का आह्वान किया है। उसके समर्थन में उनके आह्वान के तहत हमने भी यहाँ 5 दिन के बंद का निर्णय लिया है। अजमेर होलसेल मर्चेंट एसोसिएशन ने 5 दिन मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है। जब तक सरकार 2% ये वापस नहीं लेती, तब तक मंडी बंद ही चलेगी। आपका नाम भी क्या किया आपने? अभी तो मंडी पूर्णतः बंद रखी है। मैं माणक सिंह सिसोदिया, अजमेर होलसेल मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष, मंडी यार्ड। राजस्थान सरकार ने 2% कल्याण कृषि कल्याण कोष लगाया, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। पूरी राजस्थान की सारी मंडियां अनाज की 247 मंडियां ही बंद है, उसके तहत यहाँ भी बंद है और शांतिप्रिय बंद है। सरकार से हमारा निवेदन है इस कोष को वापस ले गए और जो मंडी शुल्क अभी चल रहा है उसमें भी कुछ रियायत दिए जाए ताकि व्यवस्था सही चले। और साथ ही ये 5 तारीख का बंद, 5 तारीख तक बंद का निर्णय है। 5 तारीख बीधवार को, 5 दिन का, और रविवार को वापस राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के सब मंडियों में वार्तालाप होने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। आज आपने किस तरह का प्रदर्शन किया है? आज हमने शांति के प्रदर्शन किया है, मंडी पूरी बंद पड़ी है और ग्राहक से जो भी आया उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि 5 दिन मंडी बंद है, आगे से आने का कष्ट नहीं करें। और आगे अगर आपकी ये मांगे नहीं मानी जाती है तो कब तक क्या रहेगा? बीधवार को वापस पूरे राजस्थान की मंडियों की मीटिंग है, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। कल्याण को वापस ले, व्यापारी।